डभोई तालुका के वढ़वाना स्थित सिंचाई तालाब पर पंछियों की जारी की गई गणना के तहत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट पंछियों को पाया गया। डभोई तालुका के वढ़वाना सिंचाई तालाब पर पंछियों की गणना करते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर को पार करने के साथ आगमन किए वैसे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट पंछियों को पाया गया था। हर वर्ष सर्दी के मौसम में वढ़वाना सिंचाई तालाब पर विदेशी पंछियों का झुंड यहां पर आगमन करते हुए 2 से 3 महीनों के लिए यहां पर बसेरा करता है। जो ये विदेशी पंछियों को देखने के लिए हर वर्ष सर्दी के मौसम में वढ़वाना सिंचाई तालाब पर सैलानियों के भी भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन पहली बार यहां पर ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर को पार करने के साथ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट पंछियों का झुंड देखने को मिला था, जिसे देखते हुए वन विभाग के कर्मचारी और पंछी प्रेमियों में भी आश्चर्य देखने को मिला था। तो वहीं खासकर पावागढ़ विस्तार में पाए जाते वैसे बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड धारित वैसे शाहीन फाल्कन पंछियों को भी यहां पर पहली बार देखा गया। आमतौर पर ये शाहीन फाल्कन पावागढ़ विस्तार में नजर आता है, जो ये वडोदरा से पावागढ़ सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा अंतर काट देता है। उड़ने की क्षमता प्रति घंटे के दौर पर 350 किलोमीटर की पाई गई है, जो ये अनोखे और विदेशी पंछियों को पाने के साथ वन प्रेमियों में भी एक तरह की कुतूहलता, आश्चर्य और खुशहाली देखने को मिले थे। आज रोज दर वर्षनी जेम पक्षीनी गणतरी करवामां आवी, जेम वडोदराना घणा एनजीओ 70-80 एनजीओ एमएस यूनिवर्सिटीना स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स बीएनएचएमएसना जे संस्थाना सभ्यो ए लोकोए भाग लीधो, अमारा स्टाफे वन विभागनो स्टाफे भाग लीधो અને બે સેશનમાં આજે ગણતરી કરવામાં આવી સવારથી બપોર સુધી અને બપોરથી હવે 2-3 કલાક પછી 5 વાગ્યા સુધી ગણતરી કરવામાં આવશે। ચાલુ વર્ષે 2 પ્રજાતિ નવી જોવામાં આવેલી છે, ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટીલ અને એક ઓલ્ડ ટાઈપની ઓલ્ડ પ્રકારનું એક પક્ષી જોવામાં આવ્યું છે, એ 2 નવા ડિફાઇન્ડ થયા છે આજે। અને બીજું એક મારે જણાવવાનું છે કે વઢવાણા તળાવ પર પ્રવાસીઓનો ધસારો જોતા ખૂબ ઘસારો થતો હોવાથી અને હમણાં કોવિડની પ્રોબ્લેમ હોવાથી સમય બદલવામાં આવ્યો છે અને પક્ષીઓ જોવા માટે સવારના 10-5 નો સમય રાખવામાં આવ્યો છે, જેની દરેકે નોંધ લેવી। અને ખરો સમય જોવાનો પક્ષીઓનો પણ આ જ છે, સવારના 10-5 નો જ છે, અર્લી મોર્નિંગ જવાની જરૂર નથી। અને પ્રશાસને જે નક્કી કર્યું છે એ પ્રમાણે હવે સમય વધવાનો સવારના 10-5 નો રહેશે।